I've fallen in love with I love. Él vole, wow. पैंतालीस साल पहले क्या हुआ था ये जानना बहुत जरूरी है। पेपर करेंसी अचानक बंद कैसे हो गई? मुझे इन सब बातों का पता लगाने के लिए इतिहास में जाना होगा। यही है वो इंसान जिससे मेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मुझे इनसे मिलना ही होगा।
सर, आई एम सो ग्लैड टू मीट द फादर ऑफ क्रिप्टोकरेंसी। गलत। द फादर ऑफ क्रिप्टोकरेंसी इज संतोषी नागामोटो, और ये बात तुम भी जानते हो। ओह, बहुत खूब। आपके इंटेलिजेंस की दाद देनी पड़ेगी, आप आज भी उतने ही स्मार्ट हैं। आमतौर पर तुम इन्वेस्टिगेटर्स जर्नलिस्ट किसकी तारीफ नहीं करते, क्या चाहिए बोलो। आपसे बातों में कोई भी नहीं जीत सकता, मुझे कुछ डाउट्स हैं और इसलिए मैंने उन पर रिसर्च किया। उसी सिलसिले में मैं आपसे मिलने आया हूं। पेपर करेंसी कैसे खत्म हुई? IMF और वर्ल्ड बैंक क्यों बंद हो गए? और सबसे जरूरी बात, काउंटर इकोनॉमिक हिटमैन एजेंसी क्यों शुरू हुई? काउंटर इकोनॉमिक हिटमैन एजेंसी के बारे में जानना है तुम्हें तो सुनो। दुनिया में विश्व युद्ध क्यों होते हैं, ये बात आज तक कोई नहीं जान पाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सुपर पावर बन गया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से पूरी दुनिया में उसकी पहचान बन गई। अमेरिका ने अपने सैनिक और आधुनिक हथियारों के बल पर लगभग 40 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को सूचित कर ब्रिटन वुड्स नामक शहर में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में एक निर्देश जारी किया गया कि दुनिया के सभी राष्ट्रों की आर्थिक व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए। हर देश में मौजूद सोने की कीमत अमरीकी डॉलर के हिसाब से तय करके सभी देशों में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस निर्देश को कुछ देशों ने ना चाहते हुए भी अपनी सहमति दे दी और इस तरह पूरी दुनिया में जहां कहीं भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो वो डॉलर के रूप में ही होता है। अमेरिका अब दुनिया भर में अपना रोब जमाने लगा था। उसने डॉलर का मुद्रण करके अंतरराष्ट्रीय बाजार यानी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का इस्तेमाल गरीब देशों को कर्ज देकर उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए करने लगा। यहाँ तक कि अमेरिका IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए गए कर्ज को भी ब्याज के तौर पर इस्तेमाल करके उनके संसाधनों को हड़पता गया, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ने से रुक गई। इकोनॉमिक हिटमैन के नाम का एक गिरोह इन संस्थानों के लिए काम करता था। भारत देश को भी भारी मात्रा में इसी गिरोह ने कर्ज देकर उसकी आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की थी, जिसे अंजाम दिया था एक युवक ने। पहले दो विश्व युद्ध हथियारों से हुए, लेकिन तीसरा युद्ध करेंसी से हो रहा है। हम सब हैकर्स का एक अनोखा स्वभाव है, हम लूटते हैं लेकिन पैसे को नहीं, सिर्फ कंप्यूटर्स के सिक्योरिटीज को लूटते हैं। मेरी एक बहुत छोटी सी ख्वाहिश है, बस 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए। दुनिया में सभी बैंकों को पैसा देने वाली सेंट्रल बैंक को लूटने का प्लान था मेरा। सभी को कुछ न कुछ जुनून होता ही है। वैसे मुझे कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र और चार्ल्स बैबेज ने बनाया हुआ कंप्यूटर दोनों बेहद पसंद है। हैकिंग करते समय तुम पर कोई ध्यान नहीं देता, होने के बाद हम किसी पर ध्यान नहीं देते। 3, 2, 1 गो। वेब सिक्योरिटी को बढ़ाने के बारे में मैंने कई बार कहा पर तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे तमाम सिस्टम्स में वायरस डाल दिया गया है। गवर्नमेंट के वेबसाइट्स काफी कमजोर लग रहे हैं। यस सर, इस बार भी मनी इन्वेस्टमेंट कहकर गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। श्योर सर, क्रिस्टीना से बात करके मैं संभाल लूंगा सर। श्योर सर, आई विल हैंडल इट, नो प्रॉब्लम।
गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आई एम फिरोज मर्चेंट, रॉ एजेंट. यस. और ये रामाया, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, प्रपोज्ड बाय सेंट्रल मिनिस्टर. ओके. अगर मैं इस सीट पे बैठा हूं तो इतना तो मालूम होगा ही. बोलिए क्या बात है. हैकिंग क्राइम के बारे में आप जानते ही होंगे सर. हाल ही में सभी गवर्नमेंट साइट्स को हैक किया गया था. ऑफ कोर्स, मैंने भी सुना इस बारे में. हमारे रीसेंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आरबीआई साइट को भी हैक करने की संभावना है. इसी बात को लेकर इट्स ऑल राइट. हमारे पास हाईली टेक्निकल फायरवॉल सपोर्ट है. प्लस ये हैकिंग के प्रॉब्लम्स हमारे लिए नई बात नहीं है. वी आर नॉट अ नॉर्मल बैंक मैन, वी आर आरबीआई. नहीं, मैं भी सोच रहा था, लेकिन हमारे फिरोज साहब न जाने क्यों घबरा रहे. ओके सर. ओके, हम फिर मिलेंगे. नाइस मीटिंग यू. नाइस मीटिंग यू सर. सेम हियर. सी यू अगेन. रामैया सर, इस फोन को जरा अनलॉक कर देंगे सर. सेलफोन पासवर्ड को अनलॉक करने के लिए हमें 4 digits चाहिए. हर एक डिजिट 0 to 9 तक, 10 numbers. 10 into 10 into 10 into 10, यानी 10,000 ऑप्शन ट्राई करने पर इस पासवर्ड का पता लग जाएगा. छोटा सा अल्गोरिदम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर. इतने छोटे से कोड को डीकोड करने के लिए आपको अल्गोरिदम चाहिए, लेकिन अंदर जिस हैकर की मैंने बात की थी वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम यूज करते हैं. इस बात को सब लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, और ये चीज आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है. आने वाले समय में ये साइबर क्राइम सबसे बड़ा क्राइम होने वाला है. ऑलरेडी उसका प्रोसेस भी शुरू हो चुका है. वो कौन और क्यों करने वाला है इसका पता लगाना होगा. चलिए, लेट्स गो टू सीसीसी लैब. ओके. ओके सर, लेट्स गो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. एक्सक्यूज मी गाइस, ही इज मिस्टर फिरोज फ्रॉम रॉ. ये हम सबके साथ एक जरूरी बात करने आए हैं. गो अहेड सर. गुड मॉर्निंग गाइस. हैकिंग हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार आरबीआई साइट्स को हैक करने की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है. सो हमारी सरकारी संस्थाओं से जुड़ी सभी अंतरजातीय संस्थाओं पर कड़ी नजर रखिए, यहां तक कि हमारी सरकारी संस्थाओं पर भी. ओके, कीप मी इन्फॉर्म्ड. सर, हम एक एनक्रिप्टेड मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आरबीआई से लिंक्ड है. व्हाट? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सर. वेलकम. हमारे वेब सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए 1000 बार कहा था, लेकिन तुम लोग नहीं सुन रहे हो. तुम्हारे तमाम सिस्टम्स में सभी बग्स एक्सपोज हो रहे हैं. गवर्नमेंट के सभी वेबसाइट्स काफी कमजोर लग रहे हैं. इससे ज्यादा हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं सर. सर, ये क्या हो रहा है? ये डरने का वक्त नहीं है, बल्कि गहराई से सोचने का वक्त है. वी हैव टू डू समथिंग बिफोर इट्स टू लेट. नहीं नहीं, हमारे पास 7-layer प्रोटोकॉल है. ये दुनिया में सबसे बेहतरीन है, स्पेशली हैकिंग को रोकने के लिए. हम पूरी तरह से सक्षम हैं. फॉर एग्जांपल, सबसे पहला लेयर. ये है मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट लेयर. हमारे सभी आरबीआई सिस्टम्स डीएमसी द्वारा, यानी डायरेक्ट मॉडेम कनेक्शन के तहत काम करते हैं. ऐसा करने से अंतरजाल, मतलब इंटरनेट में मौजूद सभी हैकर्स ब्लॉक हो जाते हैं. अब दूसरा लेयर, ये है पॉलिसीज एंड कंट्रोल लेयर. हमारे सभी आरबीआई सिक्योरिटी पॉलिसीज को IIT के साइबर एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन करवाया गया है. अब तीसरा लेयर, यह है एंटी हैकर सॉफ्टवेयर लेयर. इस सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर को खासकर माइक्रोसॉफ्ट वालों से तैयार करवाया गया है.
चौथा लेयर जो है फायरवॉल लेयर, नेक्स्ट जनरेशन PA5060 फायरवॉल विद 20 Gbps कैपेसिटी इंस्टॉल किया है। लेयर नंबर 5, इसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन लेयर। इसमें केवल RBI अधिकारी और उससे जुड़े जोनल बैंक मैनेजर ही अपनी ID लॉगिन कर सकते हैं। यह है एनक्रिप्शन लेयर। एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन द्वारा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को हम यहां रन करवा रहे हैं। इन्हें पता करना US में मौजूद साइबर एक्सपर्ट्स के लिए भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेयर नंबर 7, ये असेस करती है हमारी तमाम इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को। यहाँ की RTGS द्वारा इंडिया में मौजूद सभी बैंकों को एक्सेस कर सकते हैं। इस लेयर में केवल बायोमेट्रिक स्कैन द्वारा या फिर रेटिना स्कैन यानी अपनी आंखों की स्कैन द्वारा ही लॉगिन किया जा सकता है। अभी सिक्योरिटी विंग से मैसेज आया है, हमारा RBI साइट हैक हो गया है। व्हाट? हाँ सर। ये नामुमकिन है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये सब कुछ कैसे हुआ? परसों तक तो ठीक था सर, शायद कल ही हुआ है। तुम सब कर क्या रहे हो? हमारा सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है, इसके बावजूद ये सब कैसे हुआ? हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मुझे वो कोई व्हाइट कॉलर हैकर लगता है सर। हमारे लोग उसकी IP एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश में लगे हुए हैं सर। आमतौर पर हैकर छोटे बैंकों में डेटा चोरी करते हैं, लेकिन ये उस तरह का हैकर नहीं लगता सर। इट्स गवर्नर सर। मिस्टर नारायणन, ये क्या हो रहा है? मैंने सुना RBI साइट हैक हुई है, तुम सब क्या कर रहे थे? सर, हम सब काफी अलर्ट थे सर, लेकिन सर रॉ एजेंट फिरोज ने लोगों को आगाह भी किया था। मुझे कम से कम बता दिया होता। मतलब अपना एडवांस 7 लेयर सिस्टम को हैक करना इम्पॉसिबल था, इसलिए मैंने। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन जितना जल्दी हो सके, वो कौन है, ये कैसे किया, जल्दी पता करो। और सबसे जरूरी बात, मीडिया को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। यस सर। फौरन CBI और रॉ को बता दो, उसे जल्दी पकड़ना होगा। श्योर सर। फिरोज, हर 6 महीने में एक बार, वो भी सिर्फ 60 सेकंड के लिए, हमारे सिस्टम्स अपग्रेडिंग के लिए इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। इस हैकर ने 60 सेकंड्स में ही इस मुश्किल एल्गोरिथम को क्रॉस करके 10 लाख करोड़ चुरा लिए। गवर्नर और गवर्नमेंट को मैं क्या जवाब दूंगा? आखिर ये सब किया किसने?